हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ तक स्टार्ट कर दे। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एसएसआई ट्यूब में एक बार फिर स्वागत है। मैं जमेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं उत्तर बिहार को जोड़ने वाला, क्योंकि उत्तर बिहार में एकमात्र सुविधा और साधन का ये है महात्मा गांधी सेतु पुल। वैसे तो महात्मा गांधी सेतु पुल 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने उद्घाटन किया था, लेकिन पुल की जर्जर स्थिति को देखते हुए पहला लोयन को तोड़कर ये लोहे का गाटर देकर बनाया गया। उस स्थिति में आवागमन जो होता है आने और जाने वाले पटना से हाजीपुर या सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, दरभंगा, कहीं भी जाने के लिए एकमात्र सुविधा था। अब खुशखबरी है, अगला महीना से ये लेन भी चालू हो जाएगा, ना ही समस्या रहेगा जाम का और ना ही किसी प्रकार का आने जाने का, क्योंकि उत्तर बिहार को जोड़ने वाला एकमात्र सुविधा है। वैसे तो सोनपुर का भी है, लेकिन महात्मा गांधी सेतु पुल जो है बहुत ही पुरानी पुल है। उसके बाद ये देख सकते हैं भव्य रूप दिया गया है। ये सरकार के लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जब एक लेन हुआ करता था तो भीषण जाम हुआ करता था। अब दूसरा लेन जब सुचारू रूप से चलेगा तो एक उत्साहपूर्वक ठीक और तय समय पर ही लोग जा पाएंगे। तो ये बड़ी वाहनों के लिए है, मालवाहक के लिए, और यहाँ पर जो छोटा सा लेन देख रहे हैं वो मोटरसाइकिल और साइकिल की, यहाँ पर जो देख सकते हैं रंग रोगन का कार्यक्रम चल रहा है और बिल्कुल चुस्त दुरुस्त कारीगर अपने तय समय के अनुसार पूरा करना चाह रहे हैं तमाम कारीगर। इसके पहले आप पीछे नीचे जो देख सकते हैं दृश्य, वो इंजीनियर है। एक एक बारीकी जगह से देखा जा रहा है कि किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। यहाँ क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रोहित है। आपके पोस्ट क्या है सर आपका? हम यहाँ इंजीनियर हैं। अच्छा अच्छा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ तक स्टार्ट कर दे। इसके लिए प्रेशर भी ऊपर से, और जानते हैं कि सब लोग जानता है बिहार में कि इस ब्रिज का कितना महत्व है, और जितके जो ट्रैफिक में जितने परेशान रहते हैं लोग, उसको देख के हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ में सबको ये डाउन स्ट्रीम अगर हो जाता है तो फिर बहुत सहूलियत होगा बिहार के लोग को। ये लेन चालू होने से तो दुर्घटना भी तो कम हो जाएगा। हाँ, दुर्घटना तो देखिए, दुर्घटना को ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ प्रॉब्लम नहीं होगा लोग को। कहने का मतलब दुर्घटना तो अपने ऊपर है, अगर हम अच्छे से, अगर हम सेफ्टी से अगर हम सड़क गाड़ी चलाते हैं तो फिर किसी तरह का दुर्घटना नहीं होगा। क्योंकि पहले आए दिन देखा जाता है कि रेलिंग तोड़ के चला जाता था, अब तो उस तरह का तो है नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है और हम एक गारंटी के साथ बोलते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसको बहुत ही क्वालिटी से बनाया जा रहा है, बहुत अच्छे से बनाया जा रहा है, इसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये इंजीनियर साहब थे और ख़ुद बोले कि उच्च क्वालिटी से निर्माण करवाया जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लगे। नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? मिस्टर संजीत कुमार। संजीत जी, अब तो अगला महीना तो ये चालू हो जाएगा, लग तो रहा है कि चालू हो जाएगा जी। दिन रात एक किए हुए हैं एकदम। हाँ, 24 घंटा काम चलता है। पहले जो जाम लगा करता था वो तो अब ख़त्म हो जाएगा? ख़त्म तो नहीं होगा, उभटक ज़्यादा चलता है इसमें, और छोटा वाला बाइक जो है वो थोड़ा सेफ हो जाएगा, क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाएगा, उधर भी चला जाएगा, उधर भी चला जाएगा। अच्छा, वो जो दूसरा जो लाइन है वो किसके लिए है? वो छोटा गाड़ी के लिए है, टू व्हीलर के लिए। अच्छा, मोटरसाइकिल साइकिल का हो गया। हाँ, वो मतलब सेफ हो जाएगा। अभी एक ही लेन चल रहा है हाजीपुर और समस्तीपुर से आकर पटना की ओर जाने वाली, लेकिन ये खुशखबरी है कि अगला महीना से फर्राटेदार मारेंगे आप बगैर रुके हुए, क्योंकि आप फ्री हो जाएंगे।
खासकर बड़े वाहनों के लिए, छोटे वाहन के लिए दूसरा लेन है, जैसे मोटरसाइकिल और साइकिल और यात्रियों के लिए। यहाँ पर भी लोग तमाम कारीगर जितने लोग जो है सेफ्टी से लेकर इंजीनियर लोग का अपने लगे हुए कार्यों में है कि अब यात्रियों को परेशानी नहीं होगी। अब फर्राटे से, पटना से, हाजीपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, जहाँ कहीं भी जाना हो, क्योंकि उत्तर बिहार को जोड़ने वाला एकमात्र साधन यही है। इस पर विराम लग गया था, काफ़ी वर्ष लग गया था, लेकिन अब खुशखबरी है, चाहे वो हाजीपुर से पटना जाए या फिर पटना से ऐसे जाए, ये एक लेन आपका चल रहा है। पटना या फिर हाजीपुर से आने वाली तमाम गाड़ियां जो है अप डाउन हो रहा है। अब जब दूसरा लेन जब चालू हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ना ही जाम की समस्या। वो जाम होती थी जब बिलखता था, मरीज एम्बुलेंस में मर जाते थे, लेकिन जाम से छुटकारा नहीं मिलता था। SSFTV आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं नए अंदाज, नए उत्साह के साथ में। जय हिंद।